हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे आज के इस ब्लॉग में, भूटान ब्लॉग में। और आज हम लोग आप लोगों को सैर कराने वाले हैं सोनभद्र जिले के एक बहुत ही अच्छे, मतलब जब दुनिया स्टार्ट हुआ था तब का वहां पे एक जीवाश्म है, उस जीवाश्म को हम दिखाएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के चौथे सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े जिले तथा यहाँ पर सलकन फासिल पार्क दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है, जिसे लोग पूरी दुनिया से यहाँ देखने और घूमने आते हैं। सोनभद्र जिला मूल मिर्जापुर जिले से 4 मार्च 1989 को अलग किया गया था। 6,788 वर्ग किमी क्षेत्रफल के साथ उत्तर प्रदेश यह 23.52 तथा 23.32 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 82.72 एवं 93.33 अंश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। जिले की सीमा पश्चिम में मध्य प्रदेश, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पूर्व में झारखंड तथा बिहार एवं उत्तर में उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर जिला है। रावतगंज जिले का प्रमुख नगर तथा जिला मुख्यालय है। जिले की जनसंख्या 14,63,519 है का तथा इनका जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश के सबसे कम 198 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। सोन नदी के दक्षिण में सोना घाटी है, जिसमें सिंगरौली तथा दुधी आते हैं। यह अपने प्राकृतिक संसाधनों एवं उपजाऊ भूमि के कारण विख्यात है। तंता मिलने के लगभग 10 वर्ष तक यह क्षेत्र, तब मिर्जापुर जिले का भाग, अलग थलग था तथा यहाँ यातायात का संचार का कोई साधन नहीं थे। पहाड़ियों में चूना पत्थर एवं कोयला मिलने के साथ तथा क्षेत्र में पानी बहुयात होने के कारण यह औद्योगिक स्वर्ग बन गया है। यहाँ पर देश के सबसे बड़े सीमेंट फैक्ट्री, बिजली घर, थर्मल एवं हाइड्रो एल्युमिनियम एवं रासायनिक इकाई स्थित है। कई सारी सहायक असंगठित एवं उत्पादन केंद्र, विशेष रूप से स्टोन क्रशर इकाई भी स्थित हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत के चौथे सबसे बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है तथा यह सलखन फासिल पार्क दुनिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क है, जिसे लोग पूरी दुनिया से यहाँ घूमने और देखने आते हैं। भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस जिले को भारत का स्विट्जरलैंड बनाने का सपना देखा। कालीन सिस्टम ने उस टाइम कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो यह सपना सपना ही रह गया, लेकिन भविष्य में इस सपने को साकार करने के लिए इस पर अमल किया जा सकता है। यह जिला औद्योगिक स्वर्ग है। यहाँ एल्युमिनियम इकाई, रासायनिक इकाई, देश के सबसे बड़ी डाला सीमेंट फैक्ट्री 800 टन प्रतिदिन, अनपरा व रिहन विद्युत इकाई, थर्मल एवं हाइड्रो स्टोन क्रशर इकाई, आदित्य बिड़ला केमिकल NTPC इत्यादि मिलकर इसे जिले का भारत का पावर हब बनाते हैं तथा इसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है। इसे एक केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया जा सकता है। सलखन जीवाश्म पार्क उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले के राजमार्ग 5H5A पर रावतगंज से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गांव के पास एक भू वैज्ञानिक विरासत स्थल है। यह पार्क कैमूर वन जीव रेंज के लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह विलाख खंडो पर संकेदित वल्य के रूप में अच्छे से विकसित स्ट्रोमेटलाइट्स को प्रदर्शित करता है। सलखन जीवाश्म पार्क विंध्यन बेसिन में स्थित है, जो एक इट्राकेटोनिक बेसिन है और इसमें 1700 से 900 MA के दौरान पोटराइजन युक्त तल छठी शैली शामिल है। इसे बेसिन के लगभग 1.4 बिलियन वर्ष पुरानी विंध्य चट्टानों में स्ट्रोमेटलाइट्स को छोड़कर किसी भी प्रकार के शरीर के अंगों का अवशेष अथवा जीवाश्म प्राप्त नहीं होते हैं। लाइट्स साइनोबैक्टीरिया द्वारा बनाई गई जैव मान्यता प्राप्त संरचनाएं हैं, जिन्हें समुद्र तल पर उगाने वाले नीले हरे शैवाल के रूप में भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि इस पत्थर पर बहुत सारे शैवाल के निशान भी हैं, जो पतली पतली परतों वाली चट्टानों टीलों के रूप में संरचित है। यह पृथ्वी पर सबसे पुरानी जीवाश्म है, जो 3.5 अरब वर्ष से भी अधिक पुरानी है। आप देख सकते हो गाइस, 3.5 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। 3.5 वर्ष अरब बहुत होता है गाइस, बहुत। और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के प्रमाण है इन साइनोबैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल के प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें प्रमाण स्वरूप आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई, जो ग्रह पर जीवन के विकास और फलने फूलने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि स्ट्रोमेटलाइट्स भारत के अन्य हिस्से जैसे राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और छत्तीसगढ़ आदि में पाए जाते हैं, लेकिन सलखन जीवाश्म पार्क में स्ट्रोमेटलाइट आंतरिक संरचना के उत्कृष्ट संरक्षण और व्यापक वितरण में मामले में दुर्लभ एवं अद्वितीय है। तो गाइस, आप देख सकते हो ये कितना पुराना है, 3.5 अरब साल पुराना ये पत्थर, और ये पत्थर जैसे देखने में लगता है कि पूरा का पूरा लकड़ी जैसा है। तो चलिए आपको पूरा का पूरा दिखाते हैं वो पार्क कैसा है और किस तरह से है। चलिए फटाफट से आप लोगों को हम लोग घुमाते हैं। तो मतलब ये पत्थर देख रहे, यूनिक है, यही पत्थर है
देख सकते हैं गाइस, ये 104 बिलियन 104 बिलियन साल पुराना पत्थर है ये। शॉकिंग बात है ये, भाई लकड़ी जैसा ही हो जा रहा है ये सारा पत्थर। 104 बिलियन समझ रहे, बोलेगी सब वो सब होंगे कि नहीं डायनासोर भाई। तो देख सकते हैं कितना इसको मतलब एकदम पैक करके रखा गया है इस पार्क में। खाली यही अंकित चीज है क्या? अच्छा कुछ इधर भी लिखा हुआ है देख सकते हैं। अच्छा बिरला के द्वारा बनाया गया है, अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड डाला। अभी गाइस ये पार्क अभी बन गए भाई, खुलता था भाई ये दोस्त सब खुलता है, ये खुलता नहीं है काम, उनको खुलता है क्या? आधे घंटे बाद खुलेगा, आधे घंटे बाद भैया। ये पत्थर 104 बिलियन साल पुराना है, 104 बिलियन, बाप रे बाप, पता नहीं चला डायनासोर भी होगा कि नहीं होगा साला उसका। इधर इधर जाना अलाउ है कि नहीं? हाँ पैदल ही जाएंगे। पार्क मतलब कहाँ तक है भैया? 5 जगह पे वाला, ये वाला पत्थर वहां दिखेगा। ए दीपक इधर इधर चल ब्रो। अच्छा हड्डी सड्डी होता ना डायनासोर का, ये टुकड़ा भी होता हड्डी का ना, देखने में देखो यही वाला पत्थर है, ये सब कवर करके रखा है। कब हो गया यही पार्क ही है हमको भी लग रहा है। तो जो भी भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको ऐसा नेचर का मजा लेना है अगर तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो यहाँ पे आ सकते हैं आप, अपने कपल लोगों के साथ आ सकते हैं, अपने फैमिली के साथ आ सकते हैं। आखिर में ये खुला हुआ भाई, इसमें अब झुक सकते हैं। वहाँ पे भाई बंद बोला आधे घंटे में खोलेगा वाला पार्क। तो गाइस पार्क खुलने का टाइम है 1 बजे, पार्क खुल जाता है 1 PM। यही सब पत्थर है आपकी, मतलब कितना मतलब ये पत्थर देख के भाई मैं तो फैन हो गया भाई कि ये पत्थर भाई 1.3 बिलियन ये पत्थर मतलब अब ऐसा हो गया ना, ये मतलब लकड़ी टाइप का हो गया, पता नहीं पत्थर में ठोक के क्या साबित करना चाहते हैं इनकी उम्मीद ज्यादा मजबूत है या पत्थर कमजोर है ठोक रहे हैं बताइए भाई। मजबूत है भाई ठीक है, पुराना है इतना ही बचा है ये पूरे क्षेत्र में ना। और गाइस यही यही वो जगह भी है, यहाँ से मुश्किल मेरे को लगता है 15 किलोमीटर पे ही ना सोने का खदान है। सोने का खदान भी गाइस यहीं पे है, क्या पता हमें भी पत्थर के नीचे कोई सोने का टुकड़ा मिल जाए। और यहाँ से हमें कभी ब्लॉगिंग कभी करना ना पड़े, इतना कमा ले। लेकिन ऐसा सपना है गाइस जो हम लोग आंखों से देख रहे हैं। आ सकते हो गाइस यहाँ पर, और शांति है एकदम शांति, मतलब यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं, कोई एक नंबर शांति, पत्थर की आवाज बता देता है। नेचर का मजा लेना चाहते हो तो आप ऐसी जगह पे आ सकते हो।
लेकिन दोस्तों थोड़ा धीरे धीरे करिएगा क्योंकि आवाज़ बहुत दूर तक जा सकती है आपकी, सचपच की, मतलब कुछ नहीं, समझ जाइए आप।